की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह और सूत्रों के हवाले से इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रवक्ता पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए गिरफ्तार। असम पुलिस की अपील पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा। मामले को लेकर कांग्रेस ने लगाया आरोप, राष्ट्रीय अधिवेशन को बाधित करने का प्रयास। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। पवन खेड़ा को रायपुर जाने वाली उड़ान से नीचे उतारा गया, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही धरना देना शुरू किया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां असम पुलिस की अपील पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, प्रवक्ता पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए गिरफ्तार। असम पुलिस की अपील पर दिल्ली पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा। मामले को लेकर कांग्रेस ने लगाया आरोप, वहीं कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय अधिवेशन को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी, जिसके बाद आज पवन खेड़ा को दिल्ली से रायपुर जाने वाली फ्लाइट से नीचे उतारा गया। और सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह नगर नवा रायपुर में कांग्रेस का 50वां महाधिवेशन होना है। कल खड़गे साहब आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम आने वाली हैं, राहुल जी, प्रियंका जी और देश भर के हमारे AICC डेलीगेट, PCC डेलीगेट आ रहे हैं। हम लोगों को सबको बेसब्री से इंतजार है, छत्तीसगढ़ के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इतना बड़ा महाकुंभ कांग्रेस का पहली बार छत्तीसगढ़ के धरती में होने जा रहा है और हम सारे उत्सुक हैं और पूरा छत्तीसगढ़ और कांग्रेस जन खासकर पलक पावड़े बिछाए बैठे। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान नहीं है, ऐसा गया मैंने इस बार आप आइए नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी DCP आएंगे आपसे, मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से DCP की इंतजार कर रहे हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। जहां सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रवक्ता पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो चुके हैं। असम पुलिस की अपील पर दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है, फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा। असम पुलिस के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग थाने में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके सिलसिले में पवन खेड़ा की रिमांड लेने के लिए असम पुलिस की टीम दिल्ली रवाना हुई और दिल्ली में ये बड़ा एक्शन लिया गया, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। असम पुलिस की अपील पर दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है, असम पुलिस भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा। मामले को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर आरोप लगाया है, कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन को बाधित करने का यह प्रयास किया जा रहा है। वहीं पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर टिप्पणी भी की थी। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी राजनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, वो राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे। रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था और उसी में सम्मिलित होने के लिए ये जो है कि जहाज में बैठे हुए थे और इनको सामान की जांच के लिए इनको वहां पे उतारा गया। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि जांच के बहाने उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वहां पे एयरपोर्ट पे आसाम पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई और वहां पे जो है कि पवन खेड़ा इन सब चीजों के बाद वहीं पे प्रदर्शन करने लगे और बैठ गए, जिसको लेकर के उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर के इन्होंने विवादित बयान दिया था और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसको लेकर के लखनऊ में भी एक मामला दर्ज है और असम में भी एक मामला दर्ज है, जिसमें पूछताछ के लिए असम पुलिस रिमांड पर लेने की बात कह रही है कि उनको रिमांड पर लेने के लिए वो एयरपोर्ट पे पहुंची हुई थी और इसी मामले
में इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन उनका रायपुर में होने वाला है, इसको बीजेपी किसी तरह से बाधित करने की कोशिश कर रही है और वहां से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जो अभी तक जो खबर निकल के सामने आ रही है उसमें दिल्ली पुलिस और असम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इनको गिरफ्तार किया गया है। ये वहां पे एयरपोर्ट पे भी पवन खेड़ा जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, ये धरना देने लगे थे जांच के दौरान। विपुल पंकाय, जो कांग्रेस जो है वहां धरना प्रदर्शन कर रही है और वहीं अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके कहा है कि पहले रायपुर में छापेमारी कराई गई और ऐसा कौन सा असम पुलिस को काम आ गया कि असम पुलिस ने दिल्ली में ही गिरफ्तारी करवा दी और ये रोकने का प्रयास किया। देखिए बताना चाहेंगे रागिनी आपको कि जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कहीं भी मामला दर्ज होता है तो वहां की जो पुलिस होती है, लोकल पुलिस होती है, उस व्यक्ति की तलाश में पूछताछ करने के लिए देश के किसी भी कोने में चली जाती है। और जाहिर सी बात है कि वहां की जो लोकल पुलिस होती है उनके सहयोग की और मदद के बदौलत उन तक पहुंचा जाता है और यही काम कमोबेश असम पुलिस की तरफ से किया गया है। पहले दिल्ली पुलिस से संपर्क किया असम पुलिस ने और उसके बाद से जब सूचना मिली कि पवन खेड़ा जो है कि वहां से फ्लाइट से रायपुर जाएंगे अधिवेशन में शामिल होने के लिए वो निकल रहे हैं, तो वहां पे असम पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई। चूंकि वो विमान में बैठ चुके थे और वहां पे चूंकि पब्लिक ज्यादा थी इसलिए वहां पे बिना शोर शराबा किए हुए उनको सामान की जांच कराने के लिए और जो तमाम जो नियम कानून और कवायद है उसके तहत उनको नीचे उतारा गया कि आप चलिए आपके सामान की जांच करनी है। और इसी सिलसिले में जब उनको ये लगा कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है तो वो इससे नाराज होकर के वहीं एयरपोर्ट पे अपने समर्थकों के साथ धरना देने लगे और वहां पे एक तरह से प्रदर्शन करने लगे। तो दूसरी तरफ ये एक तो ये मामलों में चल रहे हैं, यूपी में भी मामला दर्ज है, लखनऊ में और असम में भी मामला दर्ज है। साथ ही साथ जो एयरपोर्ट का रूल रेगुलेशन होता है वहां पे सबके लिए समान व्यवस्था होती है, वहां पे आम पब्लिक हो या VVIP हो सबके लिए रूल बनाए जाते हैं। वहां वो एयरपोर्ट होता है, वहां प्रदर्शन करने की कोई जगह नहीं होती है, तमाम कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर वहां मेंटेन करना होता है, तो वहां भी ये प्रदर्शन कर रहे थे। तो दो ये मामले बन रहे हैं और इसी को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी इससे भी जुड़ा ये मामला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो भी नेता है, बात की जाए राजस्थान के अशोक गहलोत की, तो उनका भी यही कथन है कि कहीं ना कहीं जो है कि कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा और जो उनके प्रवक्ता है पवन खेड़ा उनको जानबूझ करके टारगेट करके वहां पर गिरफ्तारी उनकी की गई है। दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो राष्ट्रीय अधिवेशन में जा रहे थे और एक तरह से इनडायरेक्टली बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, इस मामले के बाद जो है बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, वहीं कांग्रेस कई आरोप लगा रही है, कह रही है कि इस तरीके के कृत्य जो है वो बीजेपी की बौखलाहट दिखा रहे हैं। वहीं इस एक्शन के बाद जो है पवन खेड़ा मामले में कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय अधिवेशन को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे जहां प्रवक्ता पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए। सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। असम पुलिस की अपील पर दिल्ली पुलिस का ये एक्शन, फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा। मामले को लेकर कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और धरना प्रदर्शन भी किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।